ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपना टिकटॉक अकाउंट में जो वीडियो था उसे वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि टिकटॉक में हमारा अकाउंट था और उसमें बहुत सारा वीडियो था, वो वीडियो हमें चाहिए। तो टिकटॉक तो बैन हो चुका है, तो आपको वो वीडियो कैसे मिलेगा? आज का यही टॉपिक मैं आपको कवर करने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप काट काट के देखने का कोशिश करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा और आप बाद में नीचे कमेंट करेंगे भाई काम नहीं हुआ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिना स्किप किए मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए आपका जो टिकटॉक ऐप है वो अगर आप प्ले स्टोर में जाकर डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको टिकटॉक ऐप नहीं मिलेगा, पहला चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि टिकटॉक जो है वो प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, दरअसल दोस्तों टिकटॉक प्ले स्टोर के अंदर अभी भी है। आपको जो है लिखना होगा टिकटॉक और वो भी गूगल में, तो आपको बहुत सारा वेबसाइट जाएगा लेकिन जो पहला वाला है उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे लेके आएगा। अब देख सकते हो ये प्ले स्टोर ही है, ये देखो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये प्ले स्टोर के अंदर ही है। रेटिंग तो बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है इसका, ठीक है। अब प्ले स्टोर के अंदर अगर इसे आप इंस्टॉल करने जाओगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन ये काम नहीं करेगा। अब आपको जो करना है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए क्योंकि ये कोई काम का नहीं है। आपको जो यूज़ करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर लिखना होगा VPN। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसे आपको इंस्टॉल करना है। तो ऐसा बहुत सारा मिल जाएगा छोटा बड़ा, आप किसी को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ये टर्बो वाला यूज़ किया, आपको इसे यूज़ करना है। अब यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपको VPN जो ऐप है उसके ऊपर टैप करना है तो वो ऐसा आ जाएगा, और आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा और टैप टू कनेक्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको थोड़ा सा टाइम लेगा और कनेक्टिंग बोल के एक ऐड आएगा। अब यहाँ पे आपको ये जो क्रॉस मार्क दिख रहा है ऊपर, इस पर हमारी क्लिक, और ये देखिए लिखा हुआ है कनेक्टेड। इसके बाद आपको मिनिमाइज करके ऐसे हटा के निकाल दीजिए, अब इसको कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको जो करना है वो है इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे ऊपर की तरफ देखेंगे जो आप वहाँ जहाँ पर आपका टावर नेटवर्क बैटरी बैटरी दिखता है वहाँ पर देखेंगे टर्बो का जो है, ये देखिए बैकग्राउंड में रन है, आप देख सकते हो VPN कनेक्टेड, ठीक है। ये कनेक्टेड होगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा, ठीक है। ये कनेक्टेड है, आप जाना होगा आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में, आपको दूसरा कोई ब्राउज़र यूज़ नहीं करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वही टाइप करना, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पर जो लिखना होगा वो लिखना है tiktok.com, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट tiktok.com सर्च करोगे तो ये आपको टिकटॉक में लेके जाएगा, लेकिन आपका खुद का वीडियो चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक स्लैश देना होगा और आपका जो यूज़र आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मेरा तो टिकटॉक का यूज़र आईडी नहीं था, मैंने डिलीट कर दिया है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे ऐसे लिख दिया मेरा नाम। अब यहाँ पे सर्च मारना है तो देखो रिज़ल्ट क्या आता है। ये देखिए मेरा नाम तो था या पता नहीं किसका खुल गया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, आपका जो नीचे आप यहाँ पर अकाउंट, ये देखो पता नहीं कौन है दूसरे का है, तो यहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ पे आप देखो ये जो नीचे एक साइन ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे जब भी साइन इन आप ओके मारेंगे तो आपका साइन इन करने के लिए पूछेगा और साइन इन आप यहाँ से कर लीजिएगा। खुद का जो फाइल है वो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, आपका जो यूज़र आईडी है यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसे खुल जाएगा। अगर यहाँ पर पासवर्ड मांगते हैं तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिएगा और आप यहाँ से आपका खुद का वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।